أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم وعليكم السلام کیا حال ہے جی کیسا لگا کل والی ویڈیو اچھی آج ہم اسی کو آگے بڑھائیں گے اور یہ جو کل میں نے آپ کو یہ یلو کلر کے میں نے پیٹلز بنانے سکھائے ہیں آج ہم ان کو نا یوز کریں گے ٹھیک ہے ये येलो पेटल्स देख के मुझे लगा कि हम ना सनफ्लावर बनाने की कोशिश करते हैं तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक कार्ड बना लिया जाए ठीक है कार्ड बना लिया जाए तो हम छोटा सा एक कार्ड बनाएंगे नहीं नहीं सारे ग्रीन सारे मैंने येलो बनाए हैं जितने साइज़ का आपने कार्ड रखना है उतने साइज़ का आप चार्ट पेपर या हार्ड पेपर कुछ भी ले के उसको कार्ड की शेप दे लें अगर आपने किसी और शेप में कट करना है तो वो आपकी मर्ज़ी मुझे फ़िलहाल सिंपल अच्छा लग रहा है कि मैं सिंपल ही करूं और इसके मिडल के लिए हम एक बनाएंगे इस तरह जैसे हमने सबसे पहले वो सिंपल बनाया था जी ये मेरे पास कूलिंग टूल है और इसके ज़रिए मैं ये 0.5 सेंटीमीटर मैंने कट किया हुआ है A4 साइज़ का जो पेपर है उसको इसको अब हम लगाएंगे ग्लू इस तरह ठीक है ये हमने उसके मिडल के लिए बना लिया पहले भी बना हुआ था लेकिन एक दफ़ा फिर आपको याद करवाने के लिए कि ये मैंने किस तरह बनाया मैंने बनाया है ठीक है अब हम पहले उसको रख के देख लेते हैं सारी पेटल्स को भी और इस बर्ड को भी कि ये किधर सारा सेट होगा फिर उसके बाद हम लगा लेते हैं तकरीबन मिडल में लगेगा जी ठीक है यहाँ से लगाना स्टार्ट करते हैं वाइट ग्लू लेंगे मिडल में लगाएंगे पहले ऐसे और इसको लगा देंगे ये देखिए लगाने के बाद थोड़ा सा मैं प्रेस कर रही हूँ इसको क्या बना रही हूँ कार्ड बना रही हूँ ना आज फिर सनफ्लावर बनेगा इतना प्यारा सनफ्लावर मुझे चाहिए होता आपको क्या नहीं चाहिए होता आप ये बताया करें मेरा झूला आ सकता है जी सब कुछ आ सकता है ये देखिए जी ये लग गया ये हंस रहा है हंसना अच्छी बात है हंसने दे गंदी बात ना ना करो आपको ये देख के नहीं अच्छा लग रहा लग रहा है तो इसको देखिए ना और आपको पता है आपके भाई तो बना भी रहे हैं साथ साथ वो देखते हैं आज क्या बना रहे हैं तो पैरेट बना रहे हैं ये देखें जी हम इस तरह तरतीब से लगाते जाएंगे कोशिश करते हैं सनफ्लावर बन जाए आपके पास कितने बच्चे बैठे हुए हैं फिलहाल 3 बैठे हुए हैं जिनमें से एक तो है जो दिमाग खा रही है दिमाग खा रही है और बाकी काम कर रहे हैं बाकी काम कर रहे हैं दो खेल रहे हैं इसको रहने देते हैं ये मुझे ज़रा शेप इसकी थोड़ी ख़राब लग रही है तो और लगा लेते हैं वाइट ग्लू से भी ये लग जाते हैं वो ट्रांसपेरेंट होने में थोड़ा सा टाइम लगाएगी इस वजह से फिर मैं ये वाले लगा रही हूँ ये देखिए ग्रीन इसको नहीं लगाऊंगी अभी
वो वैसे मैंने बनाए थे। गरिंदर लगाएंगे। मुझे समझ आ गया, अगर ये रुहमा ने ले लिया जी तो फिर ये तबाह बगैर तो नहीं मिलेगा। आपको कौन सी चीज सलामत मिलती है इससे? तितली वाला मुझे अच्छा लगा। जिस भी अच्छा, जिस भी इस तरह के मैंने आपको सर्कल बनाने पहले बताए थे और उनसे फिर हार्ट शेप भी बनानी सिखाई थी। बनाया हुआ है ना हमने। जी जी, तो इसकी भी मैं दोबारा से ये हार्ट शेप बना रही हूं। ये देखिए, ठीक है। इस तरह बनाने के बाद थोड़ा सा यूं प्रेस करें और फिर ये भी दो तीन में लगाऊंगी इधर। इसी तरह मैंने बना के भी कुछ रखे हुए हैं। ये ऐसे, ठीक है। ये देखें जी, ऊपर भी अगर आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, जैसे आपको रुमा से आपको सारी तंग करते हैं क्या? चुप होना। ये देखें, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कुछ यूज़ करना चाहें, जैसे कल मैंने आर्टिफिशियल वो फ्लावर्स थे जो मार्केट से अवेलेबल हैं, कल भी मैंने आपको दिखाए थे इस तरह के, ये अगर लगाना चाहें तो ये भी लगा सकते हैं। ये देखिए, वैसे मुझे ये येलो और ब्लैक का ही ज़्यादा लग रहा है, तो मेरे ख्याल में ऐसे ही इसको रहने देते हैं। इसको मैं वाइट ग्लू से लगाती हूँ, जल्दी निकले ऊपर मिलेगा इसको भी, ठीक है। ये देखें जी, ये भी देखें जी, कैसा है ये रुहमा? अभी हाथ नहीं लगाना, अभी थोड़ा सा ना ये गीला है, ठीक है। लेकिन जब रुहमा के हाथ में आएगा तो तब पूरा फट जाएगा। नहीं, उसके हाथ में नहीं मैं ये दूंगी। चले ठीक है जी, उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा होगा हमारा कार्ड। तो अगर अच्छा लगे तो क्या करें रुहमा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स एंड शेयर करें, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।